देश कल जो है वो 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक चिप टाइम कैमरामैन शिप के साथ। पहले तो दैनिक चिप टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। कल देश जो है हमारा 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है बच्चों को। 26 जनवरी का जो वो दिन होता है, जो बच्चे जो है बड़े उत्साह के साथ इसको मनाते हैं और लगातार पिछले अगर मैं बात करूं तो 8-10 दिन से लगातार बच्चे जो है वो मेहनत करते आ रहे हैं और उनके टीचर्स जो है वो लगातार मेहनत करवा रहे हैं। और बच्चे जिस तरह से यार फुल ड्रेस में जो रिहर्सल कर रहे हैं, बच्चे आप देख सक रहे हैं किस तरह की मेहनत जो है उनकी। वो आज कल जो विजयपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में जो अपना कल्चरल प्रोग्राम जो वो दिखाने जा रहे हैं, उनकी मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं टीचरों का जो सहयोग जो है वो रहता है। प्रस्तुति देखिए किस तरह से बच्चे एक ही अंदाज में रंग बिरंगी ड्रेस में जो फुल ड्रेस के साथ आज से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से बच्चे जो है रंग बिरंगे पोशाके पहने अंतिम रूप दिया जा रहा है 26 जनवरी के दिन। मैं आपको बता दूं 26 जनवरी का वो दिन जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, 26 जनवरी के दिन हर उस इमारत पर, उस सरकारी इमारत पर तिरंगा फिराया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो हैं रंग बिरंगी पोशाक पहने, बच्चे लगातार पिछले 10 दिन से जो है मेहनत, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कल से अपनी प्रस्तुति जो है वो विजयपुर हाई सेकेंडरी स्कूल में दिखाने जा रहे हैं करेंगे। और स्टार्ट्स जो है देखो कितने कदम ताल एक साथ इनके कदम और बाजू जो है वो एक साथ इनके चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जिला सांबा के अंदर हमने बात किया, हम बात भी करेंगे स्कूल के टीचर्स जो है उनसे बात करेंगे कि किस तरह के उनके प्रोग्राम जो है वो कल विजयपुर हाई सेकेंडरी स्कूल के वहाँ रखने जा रहे हैं। सर, कल जिस तरह से लगातार आप पिछले 10 दिन से लगातार बच्चों को मेहनत करवाते आ रहे हैं, 26 जनवरी का जो दिन होता है बड़ा काफी बड़ा दिन होता है, किस तरह से मेहनत और किस तरह से प्रोग्राम कल जो आप विजयपुर हाई सेकेंडरी के अंदर रखने जा रहे हैं? हमारे स्कूल के बच्चों में इस 26 जनवरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोश है। बच्चे पूरी जान से 10-15 दिन से मेहनत कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि हम पूरे देश को, विजयपुर वासियों को दिखा सकें कि इस 26 जनवरी का, इस गणतंत्र दिवस का हमारी ज़िंदगी में, हमारे पूरी लाइफ में क्या मतलब है। इसको इस चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए, इस चीज़ को दर्शाने के लिए बच्चों ने पिछले 15 दिनों से लगातार बहुत मेहनत की है। मेरा स्टाफ, मेरा कोरियोग्राफर जो जम्मू से आ रहा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत बच्चों को करवाई है और हमें उम्मीद है कि पूरे विजयपुर वासियों को और जो भी ये लोग प्रोग्राम देखने आएंगे उनको ये हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही पसंद आएगा। तो ये था कहना बीबीआई हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल था टिम्पल सीका के, पिछले 10-12 दिन से लगातार जो है बच्चों को मेहनत कर रहा है। उनकी कोशिश है कि विजयपुर हाई सेकेंडरी के अंदर जो प्रस्तुति देने जा रहे हैं वो एक पहले नंबर पर आए और स्कूल का जो नाम है जो बच्चे वो है, इस वक्त जो बच्चे हैं लगातार मेहनत करें। आइए बच्चों से बात भी करते हैं, हमारे साथ बच्चे भी काफ़ी सारी संख्या में जुड़ चुके हैं। क्या नाम है बेटा आपका? बेटे कितने दिनों से लगातार इस प्रस्तुति को देने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं? 2-3 वीक्स, 2-3 हफ्ते से। तो जो आपके टीचर्स हैं वो कितनी मेहनत करवा रहे हैं इस प्रस्तुति को लेकर? वो भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो हमें सिखाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो, हमें बोल रहे हैं कि अच्छा कर लीजिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपको पता है कि 26 जनवरी का दिन वो क्यों मनाया जाता है? हाँ पता है, वो उस दिन जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे हमारे इंडिया के, और उस दिन हमारे पहले राष्ट्रपति श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 21 तोहफों की सलामी। ये बच्चों ने कहा कि लगातार मेहनत कर रहे हैं जो प्रस्तुति देने जा रहे हैं विजयपुर हाई सेकेंडरी के अंदर, और बच्चे में लगातार जो है उत्साह देखिए बच्चों में बड़ी मेहनत जो है लगातार।